नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में, थोड़ा सा हाईलाइटेड मुद्दा है इस समय, उसके लेकर के हम बात करेंगे, चाबहार पोर्ट की बात करेंगे और उसके आसपास की चीज़ों के बारे में भी। अब चूंकि जब चाबहार की बात कर ही रहे हैं तो आसपास की चीज़ों को भी थोड़ा देख लेंगे। और चूंकि एक चाबहार रेल प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के क्या है कि भारत को जो ईरान है उसने ड्रॉप कर दिया है, पूरी तरीके से ड्रॉप नहीं कह सकते लेकिन उसने अपना काम शुरू कर दिया है, तो उसको लेकर के हमें वीडियो लेकर के आए हैं। तो आखिर एक कैसी स्थिति बनी है और उसके बारे में चाबहार पोर्ट के बारे में पूरा आपको डीप में बताएंगे पूरी जानकारी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए चाबहार पड़ता कहाँ है। तो आप अगर जो देखेंगे तो ये जो मैंने मैप बनाया है, मैप को थोड़ा सा देखिए, ये आप देखेंगे भारत गुजरात है, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा। पाकिस्तान में एक बंदरगाह ग्वादर है जो सीपेक का एक हिस्सा है, तो ग्वादर याद रखिएगा। तो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा तुरंत ईरान शुरू हो जाता है और ईरान का बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान का, ये यहीं इसी को लेकर के कहानी है। चूँकि आप जान रहे हैं कि जो सीपेक है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें जो है वो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो उसी के कह सकते थे उसी के कार्ड के रूप में आप देखें तो चाबहार पोर्ट को भारत ने डेवलप करने के लिए बात कही थी और ये डेवलपमेंट इसका शुरू भी हो गया था। आप देखेंगे वर्तमान में भी चाबहार पोर्ट पर किसी तरीके की कोई बातें नहीं हो रही हैं, बात हो रही है कि इसी के तहत एक और समझौता किया गया था उसकी बात हो रही है। लेकिन जब आप चाबहार पोर्ट को देखेंगे तो भारत ने आखिर इस पर अपना इन्वेस्टमेंट क्यों किया, उसके लिए क्या चीज़ें थी जिसने इन्वेस्ट किया, तो आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पीछे कारण क्या था और इसको डेवलप करने के पीछे क्या क्या रीज़न थे उनके बारे में देखेंगे, इसको भारत को इसके क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले अगर जो बात करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा है अफगानिस्तान और इधर है ये ईरान। अब चूंकि भारत को अगर जो अफगानिस्तान से कोई किसी तरीके से अगर जो व्यापार करना है या कुछ करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो क्या करे, वो जाए या तो पाकिस्तान के होते हुए जाए, तो लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि वो एक्सेस देता नहीं है। बाकी दूसरा रास्ता ये है कि ईरान से होते हुए अफगानिस्तान जाना, तो चूँकि आप ऐसे तो मरुस्थल में जा नहीं सकते तो उसके लिए भी क्या किया गया, परियोजना लाई गई थी चाबहार को लेकर के। तो इधर से जा नहीं सकते, इधर से भी नहीं जा सकते, जिसकी वजह से क्या किया भारत ने, चाबहार पोर्ट डेवलप किया और उससे ताकि वो अफगानिस्तान से एक्सेस कर सके। दूसरी बात है कि चूंकि बगल में ग्वादर पोर्ट पर चीन ने अपना कह सकते हैं नियंत्रण बना लिया, उसने अपना डेवलपमेंट किया है, उसी को टक्कर में काट में चाबहार पोर्ट ने भारत ने भी बनाया। चाबहार पोर्ट पर डेवलपमेंट की वजह से आप देखेंगे तो हार्मुज स्ट्रेट पर आप देखें तो भारत का एक हल्का सा कह सकते हैं नियंत्रण स्थापित हो सकता है, खाड़ी देशों में भी व्यापार को यहाँ पर नियंत्रित किया जा सकता है। आप देखें ईरान हो, चाहे आप बगल में आप यहाँ पर आप ले लीजिए इराक हो, चाहे बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, यूएई हो, और इसके बाद में आप ले लीजिए चाहे वो सऊदी अरबिया हो, इन सब से एक्सेस किया जा सकता है। बाकी भारत की पकड़ की बात करें या कहीं एक्सेस है तो आप उत्तर में अजरबैजान हो गया, आप मतलब कि ऊपर के जितने भी कंट्री हैं उनसे भी क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो ये एक परियोजना थी, आगे चल करके इसको और भी डेवलप करने की बात की जा रही थी कि चाबहार से एक रेल के जरिए क्या किया जाए कि इसको आगे डेवलपमेंट करते हुए इसका रेलवे प्लाइन बिछा करके सड़क मार्ग के जरिए क्या किया जाए, आगे इसको और डेवलप किया जाए। तो ये एक परियोजना है, इसको आप समझिए। तो आगे इसकी बात की जा रही कैस्पियन सागर तक भी इसको एक्सेस मिले ताकि रूस वगैरह की कह सकते थे कि एक मिल सके। तो सबसे पहली बात यह है कि मध्य एशिया में भारत अपनी पकड़ बनाना चाहता था, इसकी वजह से कह सकते हैं उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। बाकी ईरान के जरिए भी अच्छा खासा व्यापार हो सकता है, दो देशों के बीच में ऐसी बातें हो सकती हैं कि व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन बात है 2016 की, जब 2016 में इसको कह सकते हैं कि एक बैठक बुलाई जाती है ईरान के तेहरान में, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ईरान और अफगानिस्तान तीनों लोगों के बीच में क्या होता है, त्रिपक्षीय समझौता होता है इस चाबहार बंदरगाह से इतर। एक चाबहार बंदरगाह तो भारत और ईरान का है लेकिन इसके इतर एक और समझौता किया जाता है, इसी से लगा हुआ कह सकते हैं एक समझौता किया जाता है, त्रिपक्षीय समझौता होता है 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। इसमें बात की जाती है इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत कि चाबहार को जोड़ा जाएगा अफगानिस्तान के दलारम तक। तो अफगानिस्तान के दलारम पर रेल परियोजना की बात की गई थी ताकि चाबहार से अफगानिस्तान को भी एक्सेस मिल सके और अफगानिस्तान भी इधर से, क्योंकि आप जान रहे हैं अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी वजह से उसको समुद्री तट ना होने की वजह से उसके लिए कह सकते थे कि उसके विकास में एक बाधा बहुत बड़ी है और एक्सेस उसको नहीं मिल पाता है। चूँकि आप जान रहे हैं कि उसको समुद्र तट को इस्तेमाल करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, इसलिए अफगानिस्तान भी चाहता था कि वो चाबहार पोर्ट के जरिए या चाहे वो ओमान की खाड़ी हो, चाहे यहाँ पर सॉरी फारस की खाड़ी हो चाहे ओमान की खाड़ी हो, इससे वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पर एक बात की गई
जिसमें भारत, ईरान और अफगानिस्तान की समझौता था, जिसमें चाबहार से लेकर के दिलारम तक ये रेल प्रोजेक्ट बनाना था। चूँकि इसको लेकर के समझौता भी हुआ, ये रेल एवं सड़क मार्ग से अफगानिस्तान को चाबहार से जोड़ना था, इसमें समझौता हुआ इरकान और ईरानियन रेल के बीच में। इरकान मतलब इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्लस ईरानियन रेलवे के मध्य में एक समझौता भी हो गया। लेकिन इसमें आगे चल करके धीरे धीरे विलंब होते रहे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस पर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। ईरान के प्रतिबंध लगाने की वजह से कोई भी देश अगर जो ईरान से संबंध रखेगा तो कह सकते हैं कि वो यूएस से संबंध नहीं रख सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुई, विलंब की वजह सामने आई, यूएसए ने प्रतिबंध लगाया ईरान के ऊपर। चूँकि आप जान रहे हैं कि भारत जो है ईरान से काफ़ी ज़्यादा तेल आयात करता था, लेकिन यूएस के प्रतिबंध की वजह से भारत इसमें वर्तमान में ईरान से तेल लेना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भी भारत को कुछ छूटें दी। उस छूट में एक बात की गई कि चाबहार पोर्ट और चाबहार जो रेल परियोजना है इसको इनके प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया इस परियोजना के तहत। मतलब कि चाबहार पोर्ट जो भारत डेवलप कर रहा है और जो रेल प्रोजेक्ट है ये ईरान के ऊपर जो लगाए गए प्रतिबंध हैं इससे ईरान भारत को इसे छूट दे दी गई। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। प्रतिबंधों के इस दौर में आप देखें तो सिर्फ प्रतिबंध एक प्रोजेक्ट की बात नहीं होती, उसको लेकर के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो बनेगा, वहाँ पर मशीनरी वगैरह सब कुछ जो भी चीज़ें होंगी उनकी उपलब्धता के दौर में प्रतिबंध के इतने ज़्यादा लगे हुए थे कि भारत उसमें इस रेल प्रोजेक्ट को लेकर के छूट के बावजूद इंजीनियर वगैरह कच्चा माल वगैरह इन सब की उपलब्धता नहीं हो पाई। इसलिए ये क्या हो गया, धीरे धीरे विलंब होता चला गया। विलंबता के इस दौर में आप देखेंगे तो ईरान सरकार आगे आ गई और हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले ईरान ने क्या किया, इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया इस प्रोजेक्ट पर। चूँकि जो निर्माण कार्य किया जा रहा था वो चाबहार से लेकर के जेदान तक था, जेदान तक ये रेल प्रोजेक्ट जो था ईरान ने बोला कि हम इसको खुद बना लेंगे, हम इसको खुद बनाएंगे। लेकिन अब इस पर ये एक याद रखिएगा, चाबहार से जेदान, जेदान से जारान, जारान से दिलारम, ये चार स्टॉपेज आप समझ लें। चाबहार से जेरान और जारान जो है ये भी अफगानिस्तान में है और दिलारम भी अफगानिस्तान में। लेकिन चूँकि जो ये शाखा है चाबहार से जेदान, इसका निर्माण जो है वो शुरू कर दिया है किसने, ईरान ने। लेकिन आगे ईरान ने यह भी कहा है कि भारत आगे चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकता है। भारत भी क्या, अगर जो आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, भारत भी क्या कर रहा है, यूएसए के जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर 2020 में, इस उसका वेट किया जा रहा है कि आगे हो सकता है कुछ जो प्रतिबंध हैं ईरान के ऊपर से कुछ हटाए जाएँ जिसका आगे फ़ायदा मिल सके। लेकिन इस दौर में आप देखेंगे तो चुनौती आगे क्या है भारत के लिए, तो चुनौती यही है कि आने वाले समय में आप देखेंगे चूँकि ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भारत तो उनको प्रतिबंधों को मानता है लेकिन चाइना उन प्रतिबंधों को नहीं मान रहा है, जिस वजह से देखेंगे तो ईरान का चीन की ओर झुकाव ज़्यादा है। चूँकि आप देखेंगे बिलियन डॉलर में ये आप देखेंगे तो चीन ने ईरान पर निवेश कर चुका है, एक रेल प्रोजेक्ट के तहत और भी अन्य परियोजनाओं के तहत एक प्रोजेक्ट कर चुका है। नेपाल मतलब सॉरी जो ईरान है उसने भी आप देखेंगे तो उसने भी एक घोषणा की थी कुछ टाइम पहले, अपनी कह सकते हैं इच्छा जाहिर की थी। उसका कहना था कि चाबहार से ग्वादर पोर्ट को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई जाए इन, ताकि पोर्ट को जोड़ा जा सके। तो खैर आप देखेंगे तो ईरान का जो झुकाव है वो भारत चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि यूएसए के प्रतिबंध के इस दौर में भारत की तरफ झुकाव ना होकर के उसका, चूंकि चीन जो है वो प्रतिबंधों को नहीं मान रहा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये आगे की राह यही है कि भारत आगे चल करके इस पर प्रोजेक्ट पे काम करेगा। चूंकि आप जान रहे हैं चाबहार पोर्ट का जो निर्माण है वो तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन ये रेल प्रोजेक्ट है, भारत आगे चाहे तो इस पर ज्वाइन कर सकता है, ऐसा ईरान की सरकार ने कहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, बाकी आप अगल बगल की चीज़ों को भी देख लीजिए और थोड़ा सा अच्छे से इस पर समझ लीजिएगा इन चार जगहों को, चाबहार, जेदान, जारान और दिलारम, इन चार जगहों को देख लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।